सौरभ जोशी, इनको किसी के द्वारा धमकी दी गई और देखा गया कि हम लॉरेंस लुशना गैंग से जुड़े हुए हैं और 5 दिन में अगर 2 करोड़ रुपए नहीं दिए। है गैस, कैसे हैं आप सब? तो गैस, आज हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी ब्लॉग्स के बारे में, यानी सौरभ जोशी के बारे में। तो आप सभी को पता चल चुका होगा कि सौरभ जोशी ब्लॉग्स को, यानी सौरभ जोशी को किसी ने धमकी दी थी और साथ ही 2 करोड़ रुपए का भी डिमांड किया था। और जिसने भी सौरभ जोशी को धमकी दिया था, पैसों का डिमांड दिया था, उसने कहा था कि वो लॉरेंस मिश्रा के गैंग से है। तो आखिर पुलिस ने उस बंदे को पकड़ लिया है और साथ ही एक वीडियो भी अपलोड किया है। तो इसके बारे में वो कौन था, क्या था, तो पुलिस ने क्या कहा, हम सब दर्शक देखते। उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर है सौरभ जोशी, इनको किसी के द्वारा धमकी दी गई और देखा गया कि हम लॉरेंस लुशना गैंग से जुड़े हुए हैं और 5 दिन में अगर 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो आपके और आपके परिवार को जो हार्म करने की और उनको खतरा पहुंचाने की धमकी इसमें दी गई। संवेदनशीलता को देखते हुए चूंकि लॉरेंस लुशना गैंग से जुड़ा हुआ नाम आ रहा था तो हमने तत्काल इसमें FIR रजिस्टर की। FIR रजिस्टर करने के बाद हमारी SOG की, थाने की और जो बाकी टीम है वो भी हमने एक्टिवेट की। और एक्टिवेट करने के बाद में जो क्राइम का पैटर्न को जब देखा गया तो ये पता लगा कि सौरभ जोशी को किसी के द्वारा एक लेटर भेजा गया। तो इसमें जो हमारा CCTV एनालिसिस है, मुखबिर है और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है उसके आधार पर एक घर का चिन्हित हुआ और इसकी पुलिस ने गिरफ्तारी। अभी तरुण कुमार जो है ये बदायूं का रहने वाला है, पंजाब के मोहाली में किसी होटल में काम करता था और वहाँ काम ठीक से नहीं करने के कारण उसने होटल मालिक ने उसको वहाँ से निकाल दिया और पैसों की तंगी में और शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में इसके दिमाग में आइडिया आया और इसने सौरभ जोशी को यूट्यूब पर सर्च किया और उसके घर का पता करते हुए यहाँ पहुंचा। उसने यहाँ आके उसके घर में लैंड डाला और उसको धमकाने लगा। पुलिस ने 12 घंटे में इस केस का वर्कआउट किया है और इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जो टीम है उसको मेरी तरफ से डायल डाल।